इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और चारों ओर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो चुका है। साथ ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रत्याशियों के नामों के घोषणाओं के साथ विभिन्न गतिविधियां कर आगामी लोकसभा चुनाव हेतु कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जा रहा है। इसी के साथ ही मुंगेली जिले में बीजेपी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करने व निर्वाचन के नज़दीकी की वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों में सक्रियता तेज हो गई है। सभी पार्टी अपने अपने लोकसभा प्रत्याशियों की सूची भी जारी करते जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलासपुर लोकसभा सीट से अरुण साव के नाम की घोषणा की गई। साथ ही अरुण साव के द्वारा बिलासपुर लोकसभा में चुनाव प्रचार प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं मंगलवार को बीजेपी के द्वारा मुंगेली में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। आगर खेल परिसर में हुए इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता व पदाधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जनता से पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील करते कैंपेनिंग करने की अपील की गई। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव के मैदान में डट चुके हैं। और पिछले 5 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं उन काम के मुद्दों को लेकर और पिछले 3 सालों में कांग्रेस की राज्य सरकार ने जो जनता को छला है इस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जनता का अपार समर्थन और स्नेह हमको प्राप्त हो रहा है और इस बार जो हमारा मुख्य मुद्दा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन और नरेंद्र मोदी क्यों, इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और इसके साथ ही ये 3 महीने में जो प्रदेश की कांग्रेस की सरकार है उसके क्रियाकलाप और प्रधानमंत्री के द्वारा जो किए हुए कार्य हैं उन सारे विषयों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से जनता में वातावरण है मोदी जी को लेकर, निश्चित तौर पे हम बिलासपुर लोकसभा चुनाव को जीतेंगे। कितनी सीटें जीतने की संभावना है? केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, उसमें एक बिलासपुर का सांसद भी होगा। आज देश में मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ में जो सीटें हमको मिलते रही हम लोग बरकरार रखने का प्रयास करेंगे। पूरे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं। मोदी जी के प्रति लोगों के मन में विश्वास भी है कि जिस प्रकार से गरीबों के लिए उन्होंने काम किया है, किसानों के लिए काम किया है और MSP से लेकर के रेट बढ़ाने से लेकर के समर्थन मूल्य घोषित करने से लेकर के खास करके प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, शौचालय जो गाँव की एक बुनियादी समस्या रही है, एक लक्ष्य निर्धारित करके 2022 तक पूरा करने का और जो दिखाई दे रहा है धरातल पर ये काम, लोगों को विश्वास है कि कांग्रेस ने जो 50 साल के राजनीति में नहीं किया मोदी जी ने 5 साल में करके दिखाए हैं। मुंगेली से विनय राज बांधड़े की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।